हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसने वाले डेजर्ट विलेजेस की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि डेजर्ट विलेजेस में लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं। ये बहुत ही ऊंचा है दोस्तों, चढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे से जो आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते पे से चलकर हम आए हैं। ये नीचे जाने का रास्ता है और इसी से हमें नीचे जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, थार डेजर्ट का 60% भाग भारत के पास है, बाकी 40% भाग ही पाकिस्तान के पास है। ज़्यादातर ये भारत में ही फैला हुआ है। यहाँ पर इस तरह के घर होते हैं। राजस्थान की कुल पॉपुलेशन का 40% भाग थार डेजर्ट में रहता है। दोस्तों, यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब रहता है, इसलिए यहाँ पर कच्चे रास्ते ही मिलते हैं। दूर दराज के इलाकों में सड़क बनाना संभव नहीं है। पानी कम होने की वजह से यहाँ पर बबूल और झाड़ के पेड़ ही ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, थार डेजर्ट में जो बात सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, वो है यहाँ का कैमल सफारी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ कैमल सफारी ज़रूर करते हैं। रेगिस्तान के दूर दराज इलाकों को घूमने के लिए ऊँट की सवारी बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके अलावा आप डेजर्ट में घूम नहीं सकते, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, यहाँ के लोग बारिश के समय में बरसात के पानी को बड़े बड़े तालाब बनाकर उसमें स्टोर कर लेते हैं और फिर पूरे साल उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये ऊँट बैठे हुए हैं, ये कैमल सफारी के लिए ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर बसा हुआ ये एक अनोखा गांव है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं।